सबसे पहले आराम से आप लोग हमारे लिए भगवान हैं। सबसे पहले इस मैदान में, इस ग्राउंड में जितने भी भाई हमारे सामने बाएं दाएं बैठे हैं और खड़े हैं, हम सबके बैठ सूर्य प्रणाम करता नहीं, वो ताली वाला के आशीर्वाद है। इस मंच पे जी उसे हमारी बहुत प्रिय भाई नरसिंह यादव जी, माफी चाहता हूं और भाई लोग के नाम उनकी याद नहीं किया बहुत सॉरी, लेकिन जितने भी भाइयों के वजह से मुझे इस मंच पे आने का मौका मिला, मैं सबको पैर छू के प्रणाम करता हूं। और मेरे आने से पहले, मेरे आने के बाद भी वैरिटी में भी मैंने बहुत बार मेरे कान में साउंड आया जो इस मंच पे बोल रहे थे एक्शन किंग पवन सिंह, मुझे ये सब कुछ नहीं आता है भैया, पढ़ा लिखा नहीं हूं, बस इतना समझ में आता है कि मैं जो कुछ भी अपने श्रोता का सुना रहा हूं। देश विदेश के किसी भी कोने में पवन जाला और हमारे भाई भैया चाचा माई बाप भाई बहन मंच पे चढ़ेला और सब लोग गरज देला तो किसी भी कोने में मेरा भी मन होता कि ऐसा मारू एक्शन की हमारे भैया लोग बैठल बानी जा, आप लोगन के भी प्रणाम करो दानी नमस्ते। और कुछ प्रिय भाई लोग हमारे छोटे भाई तो देखो दीवार को बैठल बानो शांति से भैया बाबू, चोट लगी तो पवन सिंह के बदनामी हो, आराम से बेटा आराम से बाबू बैठ जाइए। आप लोगन के आशीर्वाद से, आप लोगन के जवन फरमाइश हुई, सब गाना हुई, लेकिन बस दूसरों हम माई के भजन गाई आप लोग के साथ मिली, ऐसे ना हाँ दुर्भाग्य बताइए साथ मिली क्या बात है। जय हो सरदा भवानी रखा सभा बीच पानी, दोनों हाथ जोड़ पड़ी पैया हो मैया, अब भी आके हीन बन दुखिया पूरा पढ़ाई पढ़ाई।
अपने पूजा पाठ से कितना प्रसन्न कैले बा। देवता लोग के भी जलन हो रहा बा, भैया हो कवि के भाव बा। मारी डोली चढ़ी चलाई से भाई क्या हमारे सारे भाई पूरे जोश में ये जो शो करा रहे हैं नरसिंह यादव जी, भाई है हमारे भैया। उनको पता नहीं था कि आज वनडे मैच होगा। आज मैच का हो हम आऊ के पता ना रहा। आज मैच बा, उनको लगा था कि सब कुर्सी फुल हो जाएगी, लेकिन मैच के वजह से कुछ भाई हमारे नहीं आ पाए हैं। जितने भाई आए हैं हम आ गए नहीं है ना, बस एक महिला एक लाख महिला भैया जवाब है। कुछ कहे के थोड़े बा, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। यूपी बिहार के जितने भी हमारे भाई हैं, भोजपुरी भाषा के बोले वाला समझे वाला, पांच को खड़ा हो जाए तो 5 लाख के बराबर काम है। टिकट तो हम करी लेना बहुत जल्दी, बहुत कम करीला। नरसिंह यादव जी हमारे भाई, और भी कुछ भाई हैं जिनके वजह से मैं टिकट शो करने लगा। टिकट शो में हमारे इतने भाई लोग हमको आशीर्वाद देने आए हैं, बहुत बड़ी बात है। और हम नरसिंह जी आज आपके भूल के जाता नहीं कि जब भी समय मिली जहिया संडे आई, शूटिंग से फुर्सत मिली जहिया संडे आई, मैं इसी मैदान में फिर से शो करने आऊंगा। 1 रुपया नहीं लूंगा और ये मैदान मुझे चारों तरफ से भरा हुआ है। इतना भीड़ हो इस मैदान में कि वो भीड़ इतिहास बन जाए, उस शो में पवन सिंह आएगा लेकिन 1 रुपया नहीं लेगा। मैं फ्री में आऊंगा, लेकिन ये मैदान को आप लोगों को भरना है। भरेंगे आप भैया में भैया। थैंक यू। माई डोली चढ़ी चलाई से बग घरवा, माई डोली चढ़ी चलाई से बग घरवा। ये हमारे प्रवेश सिंह यादव जी हमारे भाई हैं और यही सब भाई लोग मिलके शो करवा रहे हैं, तो भाइयों के नाम पे जोरदार ताली हो जाए। हो भैया क्या बात है, ¡Gracias!
बैठ जा, जब जाए लगा अपने गले मिल नहीं आ रहे। क्या कुछ बताना चाहते हो, दिल की बात? हाँ आजा, आओ राजा। आज आप लोग हैं तो हम हैं। आज भी वो दिन याद है कि भैया हो देखो साइकिल खरीदे के औकात ना है, आज आप लोगों ने मुझे बनाया, इसलिए बोलता हूँ मैं। जो कुछ भी आप लोगों का आशीर्वाद हो, आप लोगों ने इतना इजी बनाया। कल तक पवन खाली गाना गाते हैं, आज आप लोगों ने पवन सिंह को हीरो बना दिया। कितना बिजी शेड्यूल है कि आज अभी यहाँ सो कर 12 बजे की फ्लाइट बजाए दिल्ली, फिर वहां से रांची, फिर वहां से छत्तीसगढ़ में सोबा। और आप लोगों के पता हुई कि बिग बॉस में हमारे भोजपुरी की सुपरस्टार गायिका मोनालिसा जी गर्दा कबाड़ करी, और मोनालिसा जी और विक्राम सिंह जी के शादी भी होके वाला बिग बॉस में, तो वहां से विक्राम भाई का फोन आया, हम लोग व्हाट्सएप पे बात किए। मैंने बोला सॉरी भाई, रुक रे खड़ा रहो, सॉरी भाई आज मुंबई में सोबा, कल छत्तीसगढ़ में सोबा, परसों अगर टाइम पे आ जाए मुंबई, जहाज 12:30 बजे दिन में छोड़ दी तो दौड़ के जाए बिग बॉस में, और खूब मस्ती कर लिया, खूब एंजॉय कर लिया। आज क्या चाहिए आपको? सर सर एमपी से हो, भोजपुरी समझते हो? बोल रहा है कि एमपी से हूँ, आप ही का फिल्म ज्यादा देखते हैं। थैंक यू, क्या बात कर रही है। एक और देवी गीत गाई, बाबू के अकेले में बात करेगी बाबू से, एक और देवी गीत गाई तो वैरिटी में आ जाना है, ठीक है? हाजी के चलाली माई